नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम कुछ देखने वाले हैं ब्लेड असेंबली और फिलिप स्ट्रीमर, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों फिलिप्स का ये ट्रिमर कुछ 3 या 3.5 ईयर पुराना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये ट्रिमर मिल जाता है और इसका कुछ रेगुलेटर से आप कॉम सेटिंग कर सकते हो, और कॉम को निकालना हो तो कुछ इस तरह से कॉम निकाल सकते हो। और साथ ही में आप ब्लेड निकालना चाहते हो, यहाँ पर ओपन लिखा है, इस तरह से ब्लेड को निकाल कर रेगुलरली आप क्लीनिंग वगैरह करोगे ब्रश से, तो ज़्यादातर आपको कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ट्रिमर में। बट दोस्तों आपको रेगुलरली क्लीन तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से ये ट्रिमर मिल जाता है, और कुछ इस तरह से ये ट्रिमर रोटेशन बहुत ही अच्छी है, वो आप लोगों को पता ही होगा। और अब ट्रिमर को साइड में रखते हैं और ब्लेड पर फोकस करें तो दोस्तों इस ट्रिमर की ब्लेड कुछ इस तरह से मिल जाती है। और आपको ब्लेड असेंबली के लिए सबसे पहले स्प्रिंग को निकालना होगा, तो कुछ इस तरह से स्प्रिंग को ऐसे ऊंचा कर कर आप निकाल सकते हो। और दोस्तों जैसे स्प्रिंग को निकालो तो कुछ इस तरह से स्प्रिंग और तीनों पार्ट इस तरह से अलग रखे हुए देख सकते हो। तो दोस्तों अब हम स्प्रिंग को ट्रिमर की जो बड़ी वाली ब्लेड है उस पर लगाए, तो कुछ यहाँ पर आपको सबसे पहले स्प्रिंग को डालना होगा, मीन्स कि ये जो स्प्रिंग का जो पार्ट है ऊपर वाला, उसको कुछ जो ग्रूव दिख रहा है वहाँ पर आप लोगों को डालना होगा। तो सबसे पहले स्प्रिंग को असेंबली करने के लिए आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो ही सकता है, तो आपको स्प्रिंग को थोड़ा जो ब्लेड का ऊपर का पार्ट दिख रहा है वहाँ पर थोड़ा पीछे रख कर आपको स्प्रिंग लगानी होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है वैसे ही आप लोगों को स्प्रिंग लगानी होगी, तो देख सकते हो। तो कुछ इस तरह से स्प्रिंग को अटैच कर सकते हो और देख ही सकते हो मैंने कम्प्लीटली स्प्रिंग को लगा दिया है। तो सो स्प्रिंग कम्प्लीटली लग जाए उसके बाद आपको जो स्प्रिंग का एक साइड का पार्ट है वो आपको जो ब्लेड लगाने का पार्ट है वहाँ से थोड़ा आगे रखना है। तो कुछ इस तरह से स्प्रिंग को अलग कर कर आपको जो वाइट वाली ब्लेड है आपको लगानी है। और दोस्तों दोनों ही पार्ट अगर थोड़ा अलग करो तो अच्छा रहेगा, और जो वाइट वाली ब्लेड है उसको कुछ या फिर मैंने जैसे दिखाया है वैसे ही आपको लगाना है। ये जो छोटी वाली ब्लेड है उसका जो वाइट वाला पार्ट है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसकी सियोरिटी है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रख के आप स्प्रिंग को थोड़ा ऊंचा करके जो वाइट वाली ब्लेड है वहाँ पर आपको सिर्फ स्प्रिंग जैसे आपने ओपन की थी, मीन्स की असेंबली के पहले जैसे ओपन की थी वैसे ही लगाना है। और जो दूसरा वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह से छोटी वाली ब्लेड को आगे करके स्प्रिंग को थोड़ा ऊंचा करके आपको जैसे अपने पहले वाला पार्ट लगाया वैसे ही लगाना है। और जैसे ही पार्ट लग जाए उसके बाद आपको जो दूसरा वाला वाइट पार्ट है वो कुछ इस तरह से बिठाना है। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने कम्प्लीटली इसकी ब्लेड असेंबली कर दी है, और जस्ट ट्रिमर में लगा कर आप चेक भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से ट्रिमर में भी लगा सकते हो, और उसके बाद ऑन कर कर चेक करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने अच्छी तरह से असेंबली की है या नहीं की है। कुछ इस तरह से फिलिप्स का ही ट्रिमर का असेंबली कर सकते हो। और ब्लेड असेंबली के बाद आप कॉम वगैरह लगाकर अपनी बियर्ड को सेट कर सकते हो, और बियर्ड को सेट करने में कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी, सियोरिटी। तो कुछ इस तरह से फिलिप्स की ही ट्रिमर की और इसके जैसे जो भी मॉडल नंबर वगैरह है उसकी कुछ आप ब्लेड असेंबली कर सकते हो। तो दोस्तों ब्लेड असेंबली में और भी कोई प्रॉब्लम वगैरह आए तो कॉमेंट ज़रूर करना, और फिलिप्स का ट्रिमर हो या तो कोई भी ट्रिमर हो उसकी ब्लेड असेंबली में प्रॉब्लम आए तो कॉमेंट कर देना, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई पूरा करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।